बहुत बहुत मुबारकबाद फौर, आप पहले तो मुंह मीठा करिए और फौर के अब्बू का भी मुंह मीठा कराते हैं। जी, अभी हम आए हैं फहद के घर। फहद हमारा हिंदगुरु अकेडमी का 2 ईयर्स का स्टूडेंट है, जिसने 11th और 12th हमारे यहाँ से कंप्लीट करी। और बहुत ही फख्र के साथ मुझे बताने में खुशी हो रही है कि 12th की स्टडी के साथ साथ इन्होंने नीट 2024 के एग्जामिनेशन में 706 स्कोर किया है। और इसके लिए हमारी हिंदगुरु अकेडमी टीम के हर मेंबर फहद को, फहद के पापा को, मैं उनको ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी अकेडमी का हर मेंबर बेहद खुश है इस न्यूज़ को सुनने के बाद। हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे कि हम कितने जल्दी जाएँ और फहद से घर जाके ही मुलाकात करें। और जो 2 साल का उसका अपना सफ़र रहा हिंदगुरु अकेडमी का, उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले गए हैं कि कैसा रहा, क्योंकि ये हमारे बच्चे ही हैं, यही हमें बताते हैं कि ये 2 साल के पीरियड में कहाँ पर हमने चीज़ें बेहतर करी, उसे और बेहतर कर सकते हैं, और कहाँ कुछ को मेरी कमियाँ थी जिसको हम बेटर कर सकें। और इस तरीके से हम हर अपने ईयर बाय जिस तरीके से हमारे रिजल्ट में इजाफा हो रहा है, उसे हम कंटिन्यूटी में बढ़ाते रहें। तो आइए हम फहद से बात करते हैं। फहद, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ढेरों शुभकामनाएँ। और ये एक पिता के लिए या एक गुरु के लिए एक बहुत बड़े ही सम्मान की बात होती है जब उनका बच्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां पे एक पिता को या एक गुरु को उनके बच्चे से जाना जाए। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए कि आपने हमें ये मुकाम दिया और ये खुशी का मौका दिया। तो आप अगर मुझे बताएं कि कैसा रहा आपका 2 साल का हिंदगुरु अकेडमी का सफ़र, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आपके हुए होंगे, किस लेवल पर टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया, अकेडमी कहाँ तक आपको सपोर्ट कर पाई, रेगुलर एक्टिविटीज़ में आपको कैसे सपोर्ट किया, थोड़ा सा बताएं आप। एकेडमी का तो बहुत सपोर्ट रहा है, टीचर्स ने हर वक्त मतलब इनकरेज किया कि डाउट्स अपने क्लियर करो, टाइम से डाउट्स क्लियर करो एंड बात करो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये हो रही है, तो टीचर्स ने हमेशा ये नहीं बोला कि ये सब बातें नहीं करनी है, हमेशा इनकरेज ही किया कि आओ आप ये अपनी दिक्कतें शेयर करो हमसे, हम सोल्यूशन बताएंगे। बहुत अच्छा गाइडेंस दिए टीचर्स ने सर। और स्टडी में सर मतलब अगर कोई दिक्कत भी हुई थी, जैसे बीच में एक टीचर ने सर छोड़ा था केमिस्ट्री का, तो उसकी जगह जल्दी से नया टीचर, एक अच्छा टीचर ले आके सिलेबस की वही पेस रखने की बहुत अच्छी कोशिश की गई थी सर। जिस तरीके से रेगुलर आपके टेस्ट होते थे, उस टेस्ट ने आपको कहाँ तक सेल्फ असेसमेंट करने में हेल्प करी थी सर? तो हर टेस्ट के बाद डिस्कशन होते थे एंड उस डिस्कशंस में भी बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन सर, हर एक डाउट पूछते थे, हर एक डाउट लेते थे एंड बहुत अच्छा मतलब पेपर्स एनसीईआरटी बेस्ड आते थे, तो उससे आपकी नीट रेप्लिका टाइप होता था वो पेपर पूरा, तो उससे बहुत हेल्प मिली नीट के स्कोर में इंक्रीज करने में। एक ऐसा वाक्या मुझे याद है जिस वक्त जब आप अपनी स्टडी के दौरान थे, तो आपका एक टेस्ट हुआ था, टेस्ट में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था और उसमें आपको प्राइज मनी दी गई थी, जस्ट ये नूर नवाज सर का अपना एक बच्चों को मोटिवेट करने का ही तरीका था, तो उसके बारे में आपको कैसा लगा था, वो क्या एक्सपीरियंस था, कितना अच्छा लगा? सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को मतलब मोटिवेट करते रहेंगे, मतलब एक टाइप का मोटिवेशन ही था ही, ये बच्चों को प्राइज मनी दे के स्टेज पे नाम नाम से बुलाकर इतने सारे बच्चों के सामने, एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो अब वो बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाई दे हैव टू जॉइन हिंदगुरु एकेडमी? सर हिंदगुरु एकेडमी में एक तो टीचर्स टॉप नॉच हैं सर, मतलब किसी बड़े कोचिंग से वो नहीं है इनका, मतलब कोई आपने जिस बड़े कोचिंग्स का नाम सुन रखा है उनसे कोई ख़राब टीचर्स नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनसे अच्छे भी टीचर्स हैं। आपको नाम पर भरोसा नहीं करना है, टीचर्स पर भरोसा करना है एंड अपनी 2 साल की जर्नी में ट्रस्ट करके चलना है अपने टीचर्स पर। एंड स्टडी मटेरियल भी इनका बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। सो यू स्ट्रांगली रिकमेंड हिंदगुरु एकेडमी टू अदर स्टूडेंट्स? यस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए फहद के अब्बू से बात करते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, सेम जैसे हम बहुत खुश हैं वैसे वो भी बहुत खुश हैं। और ढेरों मुबारकबाद के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब एक वालिद अपने बच्चे को किसी गुरु के हाथ या किसी टीचर के हाथों में सौंपते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हम पे दी जाती हैं, तो मैं बस आपसे चंद अल्फाजों में जानना चाहूँगा, क्या हम उन जिम्मेदारियों पे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे, तो इसका बेहतर आप ही हमें बता पाएंगे। उतरे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है मेरा
आप लोग का व्यवहार भी रहा, बहुत अच्छा गाइड भी किए, और इसमें नूर सर का जो ऑनर है उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा अकेडमी चलने का नंबर वन कोचिंग सेंटर के तौर पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अब जल्दी से हम चाहेंगे कि फहद हमारे अब एल्यूमिनी पार्ट में हो गए हैं, तो आए और एकेडमी में बच्चों को मोटिवेट करें, गाइड करें, तो आप दोनों का स्वागत है, हम जल्दी से आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।